उत्तर प्रदेश एससी एसटी आयोग की सदस्य साध्वी गीता प्रधान का टू चाइल्ड पॉलिसी पर बड़ा बयान सामने आया है। साध्वी गीता का कहना है कि वो हिंदुओं को सलाह देती हैं कि कम से कम 3 बच्चे पैदा करें, जिसमें से 1 देश सेवा के लिए सेना में दें। और रही मुस्लिमों की बात, तो वो तो बच्चे पैदा करते हैं और सड़कों पर छोड़ देते हैं कि अल्लाह ध्यान रखेगा, और थोड़ा सा बड़ा होकर काम पर लग जाता है। उन्हें 20 बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो हिंदू समाज के लोगों को होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो अपने देश का नाम रोशन करें। दरअसल साध्वी गीता प्रधान संभल से सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के उस बयान का जवाब दे रही थी, जिसमें सपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री ने अपने समर्थकों के बीच कहा था कि देश में दलित और आदिवासी लोग ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है और आने वाला टू चाइल्ड पॉलिसी कानून उन्हीं के ऊपर लागू होगा। दलितों और आदिवासियों पर दिए गए बयान के बाद से राजनीति गरमाई हुई है, जिसका जवाब देने के लिए आज योगी सरकार में शामिल साध्वी गीता प्रधान सामने आई और सपा विधायक पर जोरदार हमला बोला। साध्वी ने कहा कि सरकार 2 बच्चों का कानून इसलिए ला रही है क्योंकि देश में बेरोजगारी फैली हुई है। जब हम 2 हमारे 2 होंगे तो बेरोजगारी नहीं होगी। नवाब इकबाल का जो बयान आया है वो उसकी निंदा करती हैं। वो पूछना चाहती हैं कि उनके समुदाय के लोग 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, ये बेरोजगारी उनसे फैल रही है, जबकि हिंदू समाज में तो 2 ही बच्चे होते हैं। और जहां तक मुस्लिम समुदाय की बात है, तो 2 लोगों की 2-2, 3-3 बीबियां हैं जिनके 20-20 बच्चे हैं। नवाब इकबाल अपने समुदाय के लोगों को समझाएं, ये बेरोजगारी और गरीबी उनकी वजह से फैल रही है। प्रदेश की केंद्र की सरकार जो कानून ला रही है वो उसकी सराहना करती है। नवाब इकबाल का पूर्व कैबिनेट मंत्री भी है, उनका एक बयान आया है 2 बच्चों कानून को लेकर जो आपकी सरकार ला रही है। उन्होंने कहा है कि ये तो SC ST के लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, ये कानून तो उनके ऊपर लागू होगा। देखिए, ऐसे लोग सरकार की मंशा को भटकाने का काम कर रहे हैं, और 2 बच्चों का कानून सरकार इसलिए ला रही है कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बेरोजगारी फैली हुई है, और जब हम 2 हमारे 2 होंगे तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी नहीं होगी। लेकिन जो नवाब इकबाल का जो बयान आया है, मैं उसकी निंदा करती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनके समुदाय के लोग जो हैं, जो 20-20 बच्चे पैदा करते हैं, बेरोजगारी उनसे फैल रही है, ये कानून तो उन्हें अपनाना चाहिए, जबकि हिंदू समाज में तो 2 ही बच्चे होते हैं, हम 2 हमारे 2। हम तो इस तरीके के हिंदू समाज के लोग हैं, लेकिन हमने देखा है मुस्लिम समुदाय में हम लोग जाते हैं, बहुत सारे ऐसे परिणाम मैं आपको बता सकती हूँ जिनकी 2-2, 3-3 वाइफ हैं और 1-1 के 20-20 बच्चे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो अपने समुदाय के लोगों को समझाएं कि ये 20-20, 30-30 बच्चे पैदा कर रखे हैं, उनसे ये बेरोजगारी फैल रही है, देश में गरीबी आ गई है, और भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार ये कानून ला रही है, मैं इस कानून की सराहना करती हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को इस कानून को लाने के लिए बधाई भी देती हूँ। ये कानून आ जाए कोई बात नहीं, जैसे हमने NRC का कानून फेल कर दिया, हम क्यों फेल करते हैं? देखिए, ये सरकार की मंशा को भटकाने का काम कर रहे हैं, ये ऐसे लोगों का ऐसी मंशा है कि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और जब ये कानून आएगा तो सबको अपनाना पड़ेगा इस कानून को, क्योंकि सरकार सर्व समाज को लेकर काम कर रही है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन कुछ समुदाय के लोग हमारी सरकार को बदनाम कर रहे हैं और इस तरीके की गलत बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, मैं आज भी आपके सामने, मीडिया बंधुओं के सामने कहना चाहती हूँ, वैसे कई बार हमने मंच पे अपने हिंदू भाइयों से कहा है कि जब उनका अल्लाह इतना दयालु है तो हमारा भगवान दयालु क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम भी अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं, और कई बार हमने कहा भी है कि कम से कम 3 बच्चे तो हमारे हिंदू माताएं बहनें भी पैदा करें, एक देश के नाम कर दें, एक अपने घर में रखें, अपने कारोबार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, और 1 बच्चा सेना को दें। और रही अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात कि वो तो बच्चे पैदा करते हैं और सड़कों पे छोड़ देते हैं, बोले अल्लाह ध्यान रखेगा, और शुरू में पैदा हुए और 5-6 साल का बच्चा हुआ उसको काम पे लगा दिया, तो उन्हें 20 बच्चे पैदा करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या हिंदू समाज के लोगों को होती है, क्योंकि वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वो अपने देश का नाम रोशन करें।